हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मधु सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्म में तड़का। और आज की जो वीडियो पर रिएक्शन है वो एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर है कि मुनव्वर फारूकी का एक ट्रैक आया है न्यू नूर, तो उसके ऊपर रिएक्शन देंगे और देखेंगे इनके सॉन्ग में क्या कुछ है। और मैं फर्स्ट टाइम जो है मुनव्वर के सॉन्ग पर रिएक्शन दूंगी, बट मैंने उससे पहले उनकी जो शायरियाँ हैं उनको सुना है। आई लव शायरी, और जिस तरह से वो शायरी करते हैं सच में किलर शायरी होती है उनकी, तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है उनकी शायरी। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं, इस सॉन्ग में क्या कुछ है या इस सॉन्ग में हमको शायरी भी देखने को मिल सकती है। तो पहले सॉन्ग देख लेते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। ए उठना, तेरे पापा से डर नहीं है? रखूं महफूज दुनिया से दूर, नखरे तेरे हैं मुझको कबूल, बस तेरी ही राहें चुनूं, तेरी हंसी है मेरा गुल, तेरी आंखें जैसे नूर, मेरी रातें बेफिजूल, तो सितारों से दूर तू कहानियों की हो, तेरी आंखें जैसे नूर, मेरी रातें बेफिजूल, कहानियों की हूर आसमानी, जमीन पे भी चले तेरी मनमानी, तू जस्ती साथ मेरे ऐसे जैसे मेरे बदन पे हो कोई सूट अरमानी, करवानी है तेरी बात मेरी कलम से, तेरे बारे लिखे वो भी है दीवानी, आजमानी है किस्मत तेरे साथ, वादा खुदा से नहीं मांगूंगा कुछ तेरे बाद, तेरी आंखें जैसे नूर, मेरी रातें बेफिजूल, तू कहानियों की हो, तेरी आंखें जैसे नूर, मेरी रातें बेफिजूल, तू सितारों से दूर, तू कहानियों की हो। हाँ, नायाब तुझे बाजारों में रखते नहीं, तारीफ करके तेरी शायर भी थकते नहीं, वक्त बे वक्त आते रहते मुझे तेरे ये ख्याल, पाबंद वक्त के नहीं, खोले वो जान बे बनाए चुके बदन उसका, मेरे हाथ कब कब आए पिघल रहा जान, वहां उसको देख और ठंडी सांसें भर के वो यहां आग को जमाए, हाय तुझे रखूं महफूज दुनिया से दूर, नखरे तेरे हैं मुझको कबूल, बस तेरी ही राह चुनूं, तेरी हंसी है मेरा गुरु, तेरी आंखें जैसे नूर, मेरी रातें बेफिजूल, तू सितारों से दूर, तू कहानियों की हो, तेरी आंखें जैसे नूर, मेरी रातें बेफिजूल, तू सितारों से दूर, तू कहानियों की हो। तो सितारों से दूर तो कहानियों की हूर, और मैंने फर्स्ट टाइम मुनव्वर के सॉन्ग पर रिएक्शन दिया है। तो शायरियाँ तो मैं उनकी काफ़ी सुन चुकी हूँ, और जिस तरह से इस सॉन्ग में भी उन्होंने शायरियाँ जो बोली हैं, जो शायरियाँ वो लेकर आए हैं अपने सॉन्ग के थ्रू, सच में आउटस्टैंडिंग। तो मुझे ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा, और जिस तरह से इस सॉन्ग का एक अलग तरह का जो कॉन्सेप्ट दिखाया है, वो थिएटर के जो थिएटर में जो टिकट देते हैं वो हैं टिकट काउंटर पे जो बैठे रहते हैं, और वहाँ पर एक शो लगता है जो नूर नाम से है, एक लड़की का शो लगता है, शो का यानी कि लड़की का शो लगता है, तो वो उसको लाइक करने लग जाते हैं। तो जिस तरह से वो एक डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट दिखाया, फिर वो
वो शो खत्म हो जाता है, फिर आपको पता ही है जब शो खत्म होते हैं तो दूसरा थिएटर पर दूसरी शो लगते हैं या मूवी लगती है, तो जो वो खत्म होता है तो वो वहां से चले जाते हैं। तो ये चीज जो डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट दिखाया, और जिस तरह से इस पूरे सॉन्ग में जो शायरियों के थ्रू जो यहाँ पर मुनावर ने अपने प्यार को जो एक्सप्लेन किया है, तो वो चीज काफी अच्छी लगी, आउटस्टैंडिंग लगी। और फर्स्ट टाइम जिस तरह से मैंने इनके सॉन्ग पर रिएक्शन दिया, और साथ ही साथ जिस तरह से इस सॉन्ग में शायरियाँ थी, तो वो मुझे काफी अच्छी लगी। और जैसे कि सॉन्ग के बीच में एक मेलोडी वाइब जो यहाँ पर अब मुनावर लेकर आए, वो काफी अच्छा लगा मुझे इस सॉन्ग में। तो पर्सनली मुझे इस सॉन्ग जो है वो ओवरऑल काफी अच्छा लगा, और साथ ही साथ इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट था डिफरेंट तरह का, वो भी अच्छा लगा। शायरियाँ भी अच्छी लगी, और साथ ही साथ मुझे इस सॉन्ग में मुनावर भी काफी अच्छे लगे। सो गाइस, ये तो मेरा रिएक्शन, और मुझे ये सॉन्ग ओवरऑल काफी अच्छा लगा। और आप बताइए आपको मेरा इस पर रिएक्शन कैसा लगा। जब तक आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मधु फिल्मी तड़का।